Hi, my name is Millie Nodial. I am 24 years old. I live with my father. I am nursing. मतलब अंदर हुआ, इनको अंदर थोड़ी रखता है, इसी में फंस जाता है। The tea is on the table. ये हुआ ना करेक्ट? Not correct. बेटा जी बिना किताब के दर्शन किए सही बोलेंगी तब होगा करेक्ट। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता आपने तो होता करेक्ट। उतनी फीस में इतनी इंग्लिश मिलेगी आपको। अभी लाफ्टर चैलेंज हो गया आपका तो प्लीज जल्दी से नहा लीजिए, देर हो रही है हमें। पापा? हाँ बेटा जी। सिगरेट पी रहे आप अंदर? नहीं तो। मिटा दिया सबूत? सबूत? कौन सा सबूत? बात घुमाइए मत। पापा? जी बेटा। स्मोकिंग इंक्रीजेस ब्लड प्लेजर। प्लेजर नहीं प्रेशर। Increases blood pressure and can lead to heart attack and cancer. जिसका मतलब है? वो ऊपर का टिकट कट जाएगा। 5 मिनट आपके पास रेडी होने के लिए। जल्दी। सब कुछ जानते हैं फिर भी आपने थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हुआ है? चिल्लागा। हो गया। तेरे हाथ में तो जादू है। वही तो। अच्छा सुन, निरंजन आया था। जो जहर की टैबलेट्स खत्म हो गई आपकी, और आप पॉइंट पे आइए जरा। देख
तेरा कनाडा जाना ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसका दिल बैठा जा रहा है, वो बहुत अंदर से टूट गया है। हम थोड़ी ना खुशी से जा रहा है देहरादून छोड़ के, सिर्फ नाम का मिली नवास है पड़ोस में, गिरवी नवास है वो असल में, पूरी तैयारी में बैंक उसे हड़पने के लिए। आप जानती है ये सब, फिर भी यहाँ भी तो कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है ना बेटा। जितना पैसा डॉक्टरों को यहाँ नहीं मिलता उतना कमा पाएंगे हम वहाँ। और पापा की तबीयत जानती है आप, वो थोड़ी ना अभी दौड़ धूप कर सकते हैं। अभी तक टाइम पास कर रहे थे, अब जब खुद तैयार हो गए तो तुरंत मिली। शाम में बैठते हैं, थोड़ा हो जाए। ऑडिट चल रहा ना वैसे। हमको ये ऑडिट मत बताओ, शाम को इंतजाम करके रखना। वो आ रही। मोहन चाचू, पापा का महीने का कोटा हो चुका है। अरे बेटा, पैक का मैंने नाम भी नहीं लिया, यही इशारे कर रहा था। अरे मैं तो बोल रहा था कि बैठक करते हैं, बैठक तो चाय पे भी हो सकती है। जो भी हो, जिसने भी की हो, कोटा खत्म तो खत्म, फिनिश। पापा कल अब मोहन चाचू के यहाँ गए थे। मोहन चाचू के घर? नहीं तो पीठ में मुक्का मारेंगे, झूठ बोला तो। अरे बेटा, पड़ोसी तो पड़ोसी के यहाँ जाते ही रहते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं, उसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। तो सबको मिला के 6 लोग हो गए जिन्होंने बात की इस बारे में हमसे। निरंजन जी, आपसे एक बात पूछे। घर घर जाके इंश्योरेंस पॉलिसियां बेचने की कोशिश में कितना कमा लेंगे आप महीने का? बेटा जी, क्या करेंगे आप जान के? आइट्स क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब किस लिए कर रहे हैं हम? टाइम पास के लिए, और क्या। पापा, बेटा क्या सुनना चाहती हैं आप? आप तो हमको छोड़ के कनाडा जा रही है ना, जाइए, उससे भी कोई दूर देश है तो वहाँ चली जाइए। आप नहीं गए थे दुबई हमें और मम्मा को यहाँ अकेले छोड़ के? हम कोई ऊँट की रेस देखने नहीं गए तो हम भी थोड़ी ना आइस हॉकी देखने जा रहे हैं। आप आगे देखिए। आगे ही देख रहे हैं। यही रोकिए सर। उतरो। 150 200 का पूरा कर दूं? अपनी मनमानी करनी है तो फिर पूछा क्यों? का फोन है वो परमार जी के फूफा की बेटी समीरा का। बेटा अपने लोगों में भी तो हो सकती है ना दोस्ती। कौन अपना कौन पराया सब माया। आप ही का व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। बढ़िया से आ रही है तुझे। अपने अपने ही होते हैं, ये भी व्हाट्सएप भेजा था आपको, याद है? वही तो कंफ्यूज कर देता है। भैया हो गया यार, 200 का करके ही मानोगे? हो गया ना सर। अच्छा कल की तरह ये मत कहना कि मिस्ड कॉल नहीं देखा, साइलेंट पे तो नहीं है फोन। तो कॉल देखते ही खाने से पहली वाली दवाई खानी है आपको और उसके बाद बाकी की दवाई। बाय द वे, ये कनाडा से कैसे चलेगा ये सिस्टम मिस्ड कॉल वाला? वहाँ दिन यहाँ रात पता ही होगा आपको। पापा फोन पे अलार्म भी तो है। जाने से पहले बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को ये सिस्टम बता के गए। मतलब हम उनकी तरह? हमने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? हम तो बस कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। क्या क्या बोलते हैं आप पापा? चलो। अरे सुनो, वो तुम्हारी फ्रेंड समीरा एक नई पॉलिसी आई है, खरीद लेगी। अपनों को बेचे ना, अपने तो अपने होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। रुको रुको रुको, 100 रुपए बाइक साइड में लगाओ। एक दे रहा क्या सर? वो आज कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी ना। हेलमेट किधर है तुम्हारा? सर वो घर पे भूल गया। उतरो बाइक से नीचे। पार्टी फिर तुम उतरो। कितनी पार्टी करते हो तुम लोग सर? आज से छोड़ दो सर, पापा की बाइक लेट हो रहा है। जरा पापा से, पापा सर का इधर आओ, देख लो ना सर। 2 मिनट में आ जाऊंगा। सर क्या हेलमेट भूल आया घर ही? हां वीरू, कहां जा रहा पार्टी करने? सर पार्टी करने नहीं जा रहा, इन्हें घर छोड़ने जा रहा। कौन है? फ्रेंड है सर। गर्लफ्रेंड? दगड़िया सर, चाहे फट जाए मार होती रहे घर पे, आए मेरा बच्चा। लेकिन लड़की पे इंप्रेशन जमाना है। चलान भरो और जाओ। हाँ निकला कुछ? ये 200 है सर। अरे निर्भागी, 20,000 के फोन पे बात करता पकड़ा गया। सर मोबाइल की कसम सर, इतनी है सर। झूठी कसम ना खाइयो, फट जाएगा। चल बैठो, निकलना यहाँ से। हमें समझ नहीं आ रहा है। बैठो मिली। अरे हुआ क्या सर? जल्दी में सर, वो रात काफी हो गई है ना। हाँ रात तो हो गई। मुकेश फूक मार। दाई से पेट छुपता है क्या कहीं? मैं उन्हें फूक मारने को बोल रहा हूँ। फूक मार। Ha ha ha.
आप तो फेल हो गए। नाम बता। समीर कुमार। चल लोनी, अब तेरी बारी, आजा। वैसे तूने दारू पी भी है तो भी कानून तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चला तो ही रहा था, तो छोड़ जाने दे। मैडम कोई समस्या है क्या? कहाँ रहती हो? राजेंद्र नगर। कहाँ? राजेंद्र नगर। नाम क्या है? मिली। पूरा नाम? मिली नौडियाल। बाप का नंबर दो। सर उसकी क्या जरूरत है? सर बिल्कुल जरूरत है। अब नोनी को रात को अकेला छोड़ दें या कुछ ऊंच नीच हो गई तो? चलो नंबर लो। जी सर। सर प्लीज केस मत करिए। अपना महकता मुंह बंद रख। चलो सर, जाने दीजिए ना सर, लड़की पास ही में रहती है, फैमिली को मैटर के बीच में क्यों लाते हैं? इतनी रात को ऐसे लड़के के साथ अकेले घूम सकती है तो हमारे साथ पुलिस की गाड़ी में बैठने में क्या समस्या है? महिला कांस्टेबल है ना अपने साथ? जी सर। फिर अब चलोगे? समीर कुमार जी। देख रहे हो किसी के साथ तो अफेयर करने से पहले बैकग्राउंड तो चेक करो, कैसा है लड़का, जिम्मेदारी निभाएगा कि नहीं निभाएगा, कि पुलिस स्टेशन पहुंचा देगा। बस इसलिए इन्फॉर्म किया था आपको, बाकी अब आप देख लो क्या करना है। तो सर हाँ ले जाइए। Thank you.
डेट्स फ्लेक्सिबल हैं तो हम ऊपर नीचे देख सकते हैं। नहीं, ये जल्दी जाना चाहती है, डेट थोड़ा ज्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, जितनी जल्दी की टिकट हो जाए प्लीज बुक कर दीजिए। ओके सर। और कुछ नहीं सर, आपके पेपर सारे हैं मेरे पास। स्टॉक आएगा तो क्या करना होता है? क्या इधर उधर क्या देख रहे हो, भूल गए हो क्या? क्या हुआ? कल तो मैं जांच थी क्या फ्रेश स्टॉक चेक करने के लिए? हाँ, हम और लड्डू कल चूहा स्टॉक में घुस गया था और सब खराब कर गया है। मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहा है। नहीं सर, वो इन्वेंटरी से लिस्ट आ गई। अब देवी जी, आप ही का तो इंतजार था। अब जब इंस्पेक्शन होगा तो आप लोग आराम से बैठ के हंस सकते हैं, क्योंकि गालियां खाने के लिए तो मैं हूँ ही। हजार बार समझाया है कि जब स्टॉक आए तो उसे अच्छे से चेक करके अंदर रखवाना है। कम से कम 10 डब्बे खराब हुए हैं। ये 6,000 रुपए का नुकसान हो गया है। ये पैसे तुम्हारे बाप भरेगा क्या? क्या घूर क्या रही हो? घर जल्दी जाने के लिए जब परमिशन चाहिए होती है तब तो ऐसी परेशान नहीं दिखती तुम। हाँ, अगली बार अगर कोई भी गलती हुई तो बात नहीं निकलेगी मेरे मुंह से, मैं गाली गलौज पे उतारूंगा। अब चलिए उठाइए इसे, फेंकिए, हटिए। समीर, खाना तो खा के जा। बाहर कस्टमर की जहाँ जितनी मर्जी बड़ी लाइन हो, लेकिन अपनी दाल रोटी सब्जी जो है उसमें चटकारे जरूर आने चाहिए। बहुत बढ़िया, खाओ खाओ खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। Can I take your order, please? Thank you, sir. मिली। Sir, can I take your order, please? मिली, मुझे तुमसे बात करनी है, please 2 मिनट के लिए बाहर आओ। Sir, may I take your order, please? मिली, please मुझे तुमसे अभी बात करनी है। Sir, अगर आपने order decide नहीं किया है तो please side में खड़े होकर decide कर सकते हैं। बाकी customers wait कर रहे हैं। मिली, please। Excuse me. मैम एक मिनट, मैं आज रात को निकल जाऊंगा, प्लीज 2 मिनट। ये तुम्हारे जितने भी निजी मामले जरा काम करो, बाहर रखोगे? देखना कितने कस्टमर्स वेट कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी सर। और तुम्हें जो भी रासलीला रचानी है वो रचाओ, लेकिन बाहर। ओए, वन पेप्सी, वन फ्रेंच फ्राइज। और ये जो अपने स्टाफ के साथ डिस्कशन करना है ये बाद में करना, पहले कस्टमर्स को अटेंड करना सीख लो। ऑर्डर लो फास्ट।
जा कहाँ? टून्स किचन पे? मिली 12 बजने वाले हैं। पापा ने कल रात से बात नहीं की है। समझ नहीं आ रहा उनके सामने कैसे जाऊं। अरे इसमें समझना क्या है? पापा नहीं बात करे तो तुम कर लो। पता नहीं अजीब सा डर लग रहा है। पागल लड़की जल्दी कर जा, समझी ना? पर देख पापा है वो तुम्हारे, वो समझ जाएंगे। जा घर जा। घर जाके क्या होगा, उसे कोई परवाह थोड़ी ना कि मैं कितने बजे घर आता हूँ। भाई 6 महीने हो गए हमारी शादी को और छूने तक नहीं दिया उसने मुझे। जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई बहाना करके कह देती है कल। अपने कल नाम का शब्द सुनते ही ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और तेरा वो दिया हुआ परफ्यूम भी इस्तेमाल किया मैंने, वो भी कोई काम नहीं आया। अरे इतनी बढ़िया कंपनी का परफ्यूम है सर। भाई रख दे और जाना। थोड़ा चाहिए पेप्सी ले लिया मैंने, चल अब निकलते हैं। अरे तुझे नहीं कह रहा हूँ, वो चिकन डिलीवरी वाला आया था। ओ हेलो, अरे फंस गए साले उल्लू। क्या ये सर? क्या सर, बस घर जा रहे थे। ओ अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, ये सब मैं उठा के रख दूंगा, कंपनी का एम्प्लॉई तो मैं हूँ ना, है जाओ। नहीं सर हम लोग रख देंगे। धन्यवाद, अब चलिए उठाइए इसे और रखिए इसे जल्दी से अंदर फ्रीजर में। बच गए, पेप्सी मारते हुए देख लिया सर उन्हें। चल काम तो होते रहेंगे यार, तू नया आइडिया। Punch out. चल जल्दी। मिली प्लीज ये कार्टन्स को फ्रीजर में रख दोगी प्लीज, वरना वो सड़ू जाने नहीं देगा यार। हम घर जा रहे हैं। मिली मिली बस 2 मिनट लगेगा प्लीज, हमने प्रोग्राम बनाया हुआ यार। हाँ तुम लोगों का प्रोग्राम पता है हमें। तुम्हें किसने बोला? किसने नहीं बोला। मिली प्लीज 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 मिली प्लीज प्लीज। ठीक है थैंक यू। अरे तीनों कैसे वहां रखो। चल 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 जल्दी। अरे यार मैं पंच आउट करना भूल गया, रुक। अभी लड्डू तू हमेशा लेट करता है। लड्डू चल ना। यहाँ पर थर थर कांपते मेरे नाम से लोग, समझे? सर हमने रख दिया। कभी कभी तो लगता है कि जैसा यहाँ हूं ना वैसे घर पे ही बन के दिखाऊं तो समझ में आएगी उसे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब छूटते उसने मेरी मम्मी को फोन कर देना है और फिर अपनी इज्जत का वो क्या कहते हैं मटिया में ले दो जाने। मुंडी लाई है मेरी खाई। अरे पागल है दोनों माँ बेटी है या? बेटी छूने नहीं देती और माँ को लगता है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। भाई मेरा स्पर्म काउंट चेक करवाना चाहती है। भाई मुझे क्या पता होगा कि क्या है? तू कमाल का था, लाज के बारे में मुझे कैसे पता होगा। करूंगा ऐसा तो नहीं छोड़ूंगा। अरे बलकोटी हारने वालों में से नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी ना मैनेजर बन गया इतनी बड़ी ब्रांच का है। क्या खरीदा है तूने? वोडका। ये जो वोडका टूट का है ना ये सब ट्राई कर चुका हूँ, समझे? काम चोर साले। अरे तुझे नहीं बोल रहा यार, वो रेफ्रिजरेशन रूम बाहर खुला छोड़ के चले गए। पंच आउट कर रहा हूं। मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल बैक कर रहा हूं। Thank you.
दिया, देख तो वो नंबर। हाँ वही देख। भाई साहब क्या हुआ, मिली अब तक घर नहीं आई? वो ऊपर नीचे हो जाती है टाइमिंग, आती ही होगी। ठीक है। हेलो अंकल, क्या घर नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, आज मैं जल्दी निकल गई थी। अंकल एक मिनट, मैं बाकी सब से पूछ के आपको कॉल बैक करती हूँ। शाम? हाँ दी। मिली अभी तक घर नहीं पहुंची? मैं जब निकला था तो वो पेंट्री में थी। लेकिन लड्डू विपुल शायद लेट निकले थे। हाँ दी। तुमने निकलते वक्त मिली को देखा? हाँ मिली वहीं थी। सर भी वहीं पर थे, एक बार उनको पूछो ना। कल? हाँ इतनी रात को अपने बॉस को भी फोन करता है क्या? सर मिली अभी तक घर नहीं पहुंची। अरे मिली ने तो मुझसे पहले पंच आउट किया था। मुझे क्या पता कहाँ है वो। अब जॉब खत्म करने के बाद कौन कहाँ जाता है उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। सबसे पूछा, आपको कुछ भी आइडिया है कहाँ गई? अरे बोला ना, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। हेलो अंकल, सबसे बात हो गई, टूम्स किचन से निकल गई थी वो। अच्छा, अब ठीक है बेटा, मैं पता करता हूँ। ठीक है। Thank you.
मूवी देखो। अंडे से कुछ आवाज आ रही है। चलो मैं करता हूँ मैं तुझे कॉल। कुछ नहीं बेटा, चल।
तो आपकी बेटी मॉल से निकल चुकी थी? जी सर। फिर तो कोतवाली कैंट में आता है ना वो? जी सर। ज्यूरिडिक्शन बदल गया ना? फिर अब? तो अब आप वहां जाकर कंप्लेन लिखवाइए। देखिए टाइम बहुत हो गया है, आप लोग जल्दी कीजिए, कहीं लेट ना हो जाए आप लोग। सर रात को 8 बजे उसने एक मिस्ड कॉल दिया था दवाई के लिए रिमाइंडर। नंडियाल जी हमारी चौकी बहुत पसंद आ गई है, फिर चले आए। सर इनकी बेटी गायब है। अच्छा, दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा? जी सर, जी सब लोगों को फोन करके पूछ लिया सर। तो रोज कितने बजे तक घर आ जाती है? 12 बजे तक सर। एक नौनी का इतनी लेट घर पे आना चलता है आपको? उसकी शिफ्ट उसी वक्त खत्म होती है सर। ऐसा कौन सा काम है जो इतनी रात तक चलता है? वो पैसिफिक मॉल में काम करती है सर। एक रेस्टोरेंट है वहाँ, डून्स किचन, उसमें काम करती है। उसके बॉयफ्रेंड से पूछा? नहीं सर, वो उसके पास नहीं हो सकती। आपको तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं पता था। कल लड़का लड़की को एक साथ पकड़ा, आज लड़की गायब है। या तो आप बहुत भोले हैं या बेवकूफ। नोने का एड्रेस दो इनको, पता कीजिए जाके। पर सर हमारी आपको बोला ना, पता कीजिए वहां जाके। नहीं मिली लड़की तो फिर देखते हैं क्या करना है। क्या खड़ा है, एड्रेस दे। देते हैं। आई क्या झंझट है सर। बेटी बॉयफ्रेंड के साथ रात जवान कर रही होगी और बाप यहाँ हमारी रात खराब कर रहे हैं। एक बार लड़के के घर चलें। मैंने कहा ना मेरी बेटी ऐसे घर छोड़ के नहीं भाग सकती। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है वहां जाने पे कुछ और जानकारी मिल जाए।
नमस्ते, समीर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, घर पे है क्या? वो तो घर पे नहीं है, उसकी जॉब लग गई ना दिल्ली में। कब निकला वो? आज रात की बस से। सब ठीक तो है ना भाई साहब? पता चला? नहीं, उस समीर के नंबर पे कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। मिली कह रही थी उसकी जॉब लगी है दिल्ली में, वहीं जा रहा है। निरंजन, एक और चक्कर मार के आएं पुलिस स्टेशन का। उसी के नंबर से कॉल आ रहा है। हेलो, कट गया। ले, दोबारा मिला कर। अरे मेरी बैटरी लो थी इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था, और मेरा बिल्कुल भी जाने का मन भी नहीं था। फोन स्विच ऑन किया तो मम्मी का फोन आया और मैं सीधे यहाँ चला आया। यूजुअली तुम लोग साथ में निकलते हो ना? आज मैं जल्दी निकल गई थी। लड्डू को भी फोन किया, उसने कहा वो वहीं थी जब वो निकला। फिर मैंने मैनेजर को फोन किया, मैनेजर कहता है कि सब पंच आउट कर चुके हैं। कहाँ हो यार तुम? मिली असलीन, तुम यहीं रुको। अंकल उसे सच में नहीं पता मिली कहाँ है। मैं इसकी बातों में विश्वास नहीं है, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। निरंजन बैठो घर में। समीर चलो।
कॉल आ रही है। कौन है? चौकी से। हाँ सर, वो लड़की जो मिसिंग थी ना। देखा ना, मिल गई ना यार की गली में। नहीं सर, वो लड़का मिल गया जिस पर आपको शक था, पर लड़की उसके साथ नहीं है सर। आता हूँ एक घंटे में। एक घंटा? सर तब तक बहुत देर हो जाएगी। सीनियर तो है कि मैं, जितना बोला जा रहा उतना कर। ऐसे कैसे कर सकते हैं सर आप? यहाँ एक एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा है ये सोच के कि हमारी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। आप हमसे पुलिस स्टेशन के चक्कर ही कटवाते रहेंगे तो हमारी बेटी को कब ढूंढेंगे? ऐसे कैसे ड्यूटी कर रहे हैं आप? मुझे ना बता ड्यूटी कैसे करते हैं। अपनी बेटी को सिखाया होता तो आज ये नौबंदी आती। मन किया ना तो एक घंटे में आऊंगा। चल फोन रख। सॉरी वो सर ऐसे ही हैं। आप एक काम कीजिए ना, उसके जितने दोस्त हैं उनके घर जाकर आप खुद चेक कीजिए। क्या पता आपसे नाराज होकर कहीं चली गई हो। अब आपकी बेटी की फ्रेंड्स है ना, तो हो सकता है उसका साथ देने के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला हो फोन पे। नहीं सर, मिली है सब अभी। चुप। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं सर के आते आपको फोन करता हूँ। तुम भी चलो हमारे साथ खड़े में।
कि तब उसका मूड ऑफ था। और कुछ पता है तुम्हें? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। दोपहर में बात हुई थी बस। कब आया था? दो ढाई बजे। मैंने उसे पूछा भी था कि क्या बात है, पर उसने जवाब नहीं दिया। नहीं अंकल, मुझे नहीं लगता कि किसी और को दिक्कत हो तो फोन करना। चाहते हो नहीं जानते हम। वो जहां जहां जा सकती थी हम देख चुके हैं। तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो हाँ है मेरी, बस मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं जानता हूं अंकल, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि आपसे हाँ करवाने के लिए ऐसी घटिया हरकत करूं। मुझे भी मिली की फिक्र है, प्यार करता हूं मैं उससे, शादी करना चाहता हूं, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। आपकी बेटी ऐसी है ही नहीं कि जो अपनी 24 साल की परवरिश को मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए दो मिनट में भूल जाए। मेरे पास नौकरी नहीं थी अंकल, इसलिए उसने कभी मुझे आपसे मिलवाया नहीं, और अगर मैं जिम्मेदार होता तो हम ऐसे नहीं मिले होते। सारी गलती मेरी है, माफ कर दीजिए। अगर हम बेकार में मिली को यहाँ वहाँ खोज रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हमें ठीक से सोचना पड़ेगा, वो कहाँ हो सकती है। मॉल चौक क्लास के बाहर सब जगह पता किया, किसी ने भी उसे नहीं देखा। समीर शायद मंदिर में। वहाँ भी नहीं है ना वो। यार वो मॉल से निकलकर मंदिर जाती है और मंदिर भी नहीं पहुंची तो इसका मतलब। हेलो, ओके सर, ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर आ गए, चले तुम लोग फॉलो करो मुझे। ओके। एक मिनट, एक जगह और है। विली की एक फ्रेंड है समीरा। समीरा? हाँ, बार बार फोन करती थी उसे, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। तुम जानते हो उसे? हाँ, समीरा नहीं, समीर। चलो।
जाके ढूंढे हम, गांव तो है नहीं है कि 1 किलोमीटर में खत्म। पर सर ये तो पुलिस सर क्या है ना कि मिली रोज मॉल से निकलने के बाद में मंदिर जाती है, ज्यादातर हसलीन के साथ, लेकिन आज हसलीन नहीं थी। हमने मंदिर में जाकर पता किया तो मिली आज वहां गई ही नहीं। सर मुझे लगता है मॉल और मंदिर के बीच में ना पक्का कुछ हुआ है। अगर हम उसके फोन से लास्ट लोकेशन ट्रैक करें तो शायद पता चल सकता है कि वो कहां है। सर अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कर सकते हैं। सर मैं तो बस क्या बॉयफ्रेंड है ना उसका, तुझे तो पता होगा कहाँ गई है। सर कल रात के बाद से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। झगड़ा हो गया था लैला मजनू का? ये दोनों फोन कर रहे थे तो तेरा फोन क्यों बंद था? सर मैं दिल्ली जा रहा था और मेरे फोन की बैटरी लो थी। यहाँ मामला सेट नहीं हुआ तो नई लड़की सेट करने चला दिल्ली? नहीं सर, जॉब लगी है। अच्छा, जॉब उधर, तू इधर क्यों? वैसे क्या नाम बताया तूने? समीर कुमार। मिली नोडियाल। समीर कुमार, बहुत सही गेम खेल रहे हो बेटा। सर एक मिनट बात कर रहा हूँ ना, उधर चल, सिरे से पकड़ता हूँ तेरा धागा। प्रेम से समझा रहा हूँ, बता देना उन्हें कहाँ है, सब खुशी खुशी घर जाएं। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। दोबारा पूछ रहा हूँ, लड़की कहाँ है? सर मेरा यकीन करिए ना, मुझे सच में नहीं पता। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है तूने। सर ए, बीच में नहीं आ, इंटरोगेशन चल रही है इधर। कहाँ है लड़की बता। सर मुझे नहीं पता, मैं भी तो पूछ रहा हूँ कहाँ है, बोल। नहीं पता। मुझे नहीं पता तो कौन से चकले पे बेच के आई है? सर कैसी बातें कर रहे हो? अरे हल्ला मचा रखा है तूने उस चमेली के गायब। एक शब्द भी और बोला हमारी बेटी के बारे में, ऐसी धारा में अंदर करूंगा, जमानत नहीं होगी तेरी। क्या हो रहा है सब, क्या चल रहे हो? सर बदतमीजी कर रहा है ये आदमी, इसकी लड़की गायब हुई है, हंगामा मचा रखा है इसने। लड़की गायब हो गई मतलब कब से? 4 घंटे हो गए सर, तीसरी बार हम पुलिस स्टेशन आए हैं। पहली बार इन्होंने बिना रिपोर्ट लिखे हमें वापस कर दिया, जाओ अपने आप ढूंढो। दूसरी बार ये थे नहीं, हमने फोन किया, इन्होंने कहा 1 घंटे बाद आऊंगा अगर मन किया तो। अभी हमने इनसे कहा मोबाइल ट्रैक करने के लिए और इसी बात पे इस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। सर क्या ये सब? सर साइबर सेल फोन क्यों नहीं किया? 4 घंटे से घर क्या रहे हो? इतनी रात हो गई थी तो क्या 24 घंटे काम करता साइबर सेल? तुम्हें पता रावत डिलेड एक्शन से ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर लड़की को कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? तुम
लड़की के फोन का स्टेटस क्या है? सर वो रिंग जा रही है लेकिन सामने से कोई फोन उठा नहीं रहा। रिंग जा रही है, अभी के अभी साइबर सेल फोन करो और बताओ मुझे क्या कहते हैं वो। जाइए, पूरी बात बताइए। जब तक पहुंची शॉप क्लोज हो चुकी थी और मैनेजर से बात हुई तो उसने बताया कि मिली ने खुद को पंच आउट कर दिया था। फोन मिलाइए उसे। जी हेलो, मैं इंस्पेक्टर रवि प्रसाद बोल रहा हूँ। हुकुम करें सर। तुम्हारी एक एम्प्लॉय मिली सर, मिली नाम की लड़की रात से मिसिंग है, कुछ जानते हो उसके बारे में? रेस्टोरेंट से तो वो निकल चुकी थी सर, पंच आउट लिस्ट मैंने खुद चेक करी है। पंच आउट की डिटेल्स ऑनलाइन है क्या? जी है सर। इस नंबर पर जल्दी भेजिए। सर यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नेटवर्क नहीं है तो आप बालकनी में लटको या पहाड़ पर चढ़ो, दो मिनट के अंदर डिटेल्स आ जानी चाहिए, समझे? वरना दर्शन दे तुम्हें। एक मिनट में आ जाएगी सर। और फोन अपने पास रखना। जी सर। इडियट। सर एक बात है जो मैंने उनसे भी कही थी, मिलियनर रोज मंदिर जाती है सर, चाहे जो हो जाए, तबीयत खराब हो तब भी, लेकिन आज नहीं गई। सर मैनेजर का मैसेज है सर। इन डिटेल्स के हिसाब से मिली पंच आउट कर चुकी है, मंदिर भी नहीं गई, चांसेस हैं मॉल के आसपास होने के। पिछले दिनों में उसका किसी से कोई झगड़ा या बहस? नहीं सर। समीर वो ऑटो वाला जो उसे पसंद कर? कौन सा ऑटो वाला? सर एक है, उसने मिली के साथ एक दो बार बदतमीजी की है। कौन सा ऑटो स्टैंड? सर मॉल के बाहर वाले स्टैंड का है। पहचानते हो? बिल्कुल सर। शायद वहां से कुछ पता चले। गाड़ी निकालो, आप चलिए, मैं आता हूँ। लड़की की फोटो ले ली? ले ली सर। सब थानों में भिजवा दो। जी सर। और मॉल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। राइट सर। साइबर सेल को इन्फॉर्म कर दिया सर? जैसे पता चले मुझे फोन करो। जी सर। चलो हरी। फिर मैनेजर को फोन किया, मैनेजर कहता है कि सब पंच आउट कर चुके थे। वो जहां जहां जा सकती थी हम देख चुके हैं। इन डिटेल्स के हिसाब से मिली पंच आउट कर चुकी है। लड्डू को भी फोन किया, उसने कहा वो वही थी जब वो निकला। अंकल एक सेकंड गाड़ी रोके, अंकल एक सेकंड प्लीज साइड पर रोके ना प्लीज। एक मिनट। कहां जा रहे हो सर? एक मिनट अंकल, सुन तू उनको ऑटो वाले के पास ले जाएगा। हां भाई, ठीक है तो उतर। पर हुआ क्या? अरे मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करना, गाड़ी में बैठ। अरे हो क्या रहा है कोई बता। अंकल मैं वापस मिलके आपको बताता हूं। चलो तुम तो बैठो। हेलो हेलो
असलीन। हाँ समीर। हाँ ये लड्डू और बिल्कुल झंडे वाली गली में रहते हैं ना। हाँ क्यों? जल्दी उनका नंबर भेजो। फोन स्विच ऑफ दिखा रहा है। किस लोकेशन में स्विच ऑफ हुआ है? सर क्या हो गया? आपके फोन पे कॉल आ रही है सर। आ रहा हूँ, चैन से मुंह भी नहीं देते। हाँ सर कॉल आ रहा है साइबर सेल से, शायद फोन का लोकेशन मिल गया हो। हाँ हो भी सकता है, नहीं भी। उठाने से पहले काट दिया, किसी को फोन करो ढंग से तो करो। हेलो सर, दो मिनट पहले ही फोन स्विच ऑफ हुआ है। टावर के हिसाब से लास्ट लोकेशन। हाँ हाँ हाँ, लोकेशन क्या? ठीक है व्हाट्सएप पे भेज दो। नहीं नहीं सर को मैं भेज दूंगा। ओके। ये वो मिली नाम की लड़की का है। हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता सर, चल बता। नहीं पता सर, पता होता तो हम बता देते। सच में नहीं पता है। दूंगा तुझे। साफ 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 माना थोड़ा चिचोरा है साहब, पर आज पूरा दिन इधर ही था।
वो कह रहा सवारी तो थी नहीं साहब, तो कहीं जाना हुआ नहीं। क्या नाम बता, फोन नंबर नोट करो। यस सर। बता 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 लेगा। भाई कहाँ हो आप? अरे फिरोज पहुंच रहा हूँ यार, फोन रखो। साले क्या क्या हुआ? मैंने कहा था कि मिली तुझसे बाद में निकली है ना, तो फिर तेरा पंच आउट टाइम उसके बाद में कैसे है बता? अरे हम लोग जा रहे थे, वो साला मैनेजर का बच्चा, उसने कहा कि बॉक्सेस अंदर फ्रीजर में रख दो। मैं देखा कि मिली पंच आउट करी थी, मैं पंच आउट करना भूल गया था, इसीलिए मैं नंबर बाद में आया। तो मिली तुझसे पहले निकली थी? नहीं, हम लोग ने उसे बॉक्सेस दिए थे फ्रीजर में रखने के लिए। कहाँ? फ्रीजर में। हेलो फिरोज, सीनियर इंस्पेक्टर को बोल अभी के अभी जाके शॉप का फ्रीजर चेक करे। हेलो हेलो फिरोज, फोन दे, फोन निकाल। वो तो रूम पे है। ध्यान से सोचिए, और कहाँ जा सकती हो? मिली मुझे बताया भी ना, कहीं नहीं जाती। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर बगल वाली दुकान की फुटेज चेक की, लड़की दिखी नहीं। मॉल की फुटेज? सर मॉल का मैनेजर फोन नहीं उठा रहा। सर फोन नहीं उठा रहा मतलब? कहाँ रहता है मैनेजर? सर यहाँ पीछे रोड पे, गैलेक्सी अपार्टमेंट। मैं अभी आता हूँ। सर्वर सेंटर से कॉल आया? सर सतीश सर को फोन किया था, बोले बता रहे हैं। जल्दी पता करो। सर क्या कर रहे हैं? अब तो लोकेशन भेज दीजिए। साले सीनियर्स, क्या लगता है इनको? ट्रांसफर होके आएंगे, ऑर्डर झाड़ेंगे। पावर दिखानी है ना इनको। अगर लोकेशन फॉरवर्ड नहीं करूँ ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर लड़की की जान को खतरा हो सकता है। तो होने देना। ना मेरी बीवी है ना गर्लफ्रेंड। तेरी है कुछ? हाँ, कहाँ चला? वो पानी पीने सर। बगल में ताल, शहर में पड़ताल। और जी है? किसके पिछवाड़े में आग लग गई?
इसका नशा मैं उतारता हूँ। दरवाजा खोल। क्या समस्या है तेरी? हंसी आ रही है तुझे? हंसी आ रही है? बहुत हंसी आ रही है साले तुझे? दोबारा दांत निकले ना मरो साला जिंदगी भर मुस्कुरा नहीं पाएगा। अफीम जी साले बंद कर। लोकेश सर लोकेशन मिल गई है। जल्दी चलो जल्दी। पैसिफिक मॉल लेके चलो। लाओ सिगरेट पिलाओ। हसलीन ने बताया मिली समझ नहीं पा रही थी कि घर कैसे जाए। कितनी बार उसने कोशिश की हमसे बात करने की लेकिन हमने हर बार मुंह फेर लिया। क्यों बात कही उससे? क्यों इतना गुस्सा आ गया था हमको? और क्या कर दिया था हमारी बच्ची ने? एक बार बात कर ली होती ना हमने उससे, हमारी मिली हमारे पास होती। खड़े मत रहिए, बाहर जाइए। चाचा इनकी लड़की कल से घर नहीं आई। सुनिए आपकी बेटी यही मॉल में काम करती है? हाँ दून्स किचन में। उसकी कोई फोटो है? हर जगह आपने देखी जहां ये हो सकती थी? हाँ साहब मुझे लगता है आपकी बेटी मॉल से बाहर नहीं गई है। सर वॉचमैन कह रहा है कि मिली मॉल से बाहर निकली नहीं है। पता है लोकेशन यहीं की मिली है, मॉल में कहीं भी हो सकती है। झूठा सब जगह खोलो। लिफ्ट लिफ्ट सामने सामने। उसको बोलो जल्दी आ मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कौन दरवाजा देखता? Thank you.
क्या हुआ सर? हटो। तुम भी राही, हम भी राही। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस अभी भी हैं, लेकिन ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हाइपोथर्मिया होने से पहले आप उसे हॉस्पिटल ले आए। फ्रॉस्ट बाइट्स हैं उनके पूरी बॉडी पर, बट यू नो विद टाइम दैट विल हील। व्हाट सरप्राइजेस मी मोस्ट इज दिस कि जब एसी का टेम्परेचर 17 डिग्रीज होता है तो आदमी वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है।
और आपकी बेटी ने -18 डिग्रीज में 5 घंटे नॉर्मल कपड़ों में बिताए हैं। आई डोंट नो हाउ शी वाज एबल टू सर्वाइव दिस। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। थैंक यू सर, थैंक यू। अलार्म क्यों नहीं लगाते? जरूरत ही नहीं पड़ती सर, रोज जल्दी सो जाऊंगा तो जल्दी उठ ही जाऊंगा ना सर। अरे मैं रेस्टोरेंट के फ्रीजर में सेफ्टी अलार्म की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर, मैं समझा। वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। करवाता हूँ सर। हेलो सर, वो साइबर सेल वालों को फोन आया था, वो लड़की की लास्ट लोकेशन मिल गई। अभी अभी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है? लड़की की जान जा सकती थी, डू नो दैट? तेरे जैसे हरामियों की वजह से लोग पुलिस के पास आना नहीं चाहते सर। पर मैं शट अप, तू वहीं रुक, तू वहीं रुक, मैं आके तेरी अभी कर। सर 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 सर, हॉस्पिटल है वो, फोन रख। शॉप लाइसेंस। मैं अलार्म करवा दूंगा सर। पापा जी। बेटा कितने बचे? ये खाने से पहले वाली दवाई ये ले चुके हैं, तुम आराम करो। क्या है ये? ये बाइक गाड़ी में ठुक गई थी, बट मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी। जॉब जॉइन नहीं की? नॉट करेक्ट बेटा जी, जॉइन किया होता तो यहाँ होता। इतनी दोस्ती, दूसरे के सवालों का जवाब देने लग गए हैं। अपनों में गिन सकते हैं इसको? एडजस्ट कर लेंगे। पापा जी। बेटा आपको लगा था कि हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, आपके साथ ही रहेंगे। कहने वाले थे कि इसका ध्यान रखें, लेकिन अब जान रहे हैं कि हमारे कहने की जरूरत है नहीं। माफी मिल जाएगी? पापा कहाँ थे? अरे बस यहीं था। सिगरेट पी रहे थे? नहीं बाबा। हाथ स्मेल कर रहे हैं आपके? अरे वो तो बस साहब। कैसी है बेटी आप? होश आ गया है, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे आपको इतना भरोसा कैसे था कि हमारी बेटिया मॉल में ही है? साहब मैं 35 साल से गार्ड का काम करता हूँ, रोज हजारों लोग आते जाते हैं, कभी कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, बात नहीं करता, हमारे बीच भी कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन रोज आते जाते बिटिया मेरी ओर देखकर मुस्कुराती थी। इसीलिए मुझे यकीन था कि कल शाम को मैंने उनकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। साहब जब कोई किसी ऐसे इंसान पर ध्यान दे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, तो उसको, उसकी मुस्कुराहट को आदमी कभी नहीं भुला सकता। अच्छा साहब मैं चलता हूँ, मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है। साहब मैं पूछना भूल गया, बिटिया का नाम क्या है?
हूँ।